हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्जी, लेकिन ये इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ मैं। सिर्फ इसको मैंने कुंदरू लिया है और एक प्याज लिया है जिसको मैंने काट लिया है लंबा लंबा, और इसको भी लंबा लंबा मैंने काट लिया है। ये भुजिया टाइप से ही बनाऊंगी मैं इसे आज, और देखिए कैसे बनाते हैं। झट से बन जाएगी ये सब्जी। कढ़ाई में तेल डालना है, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ये जीरा ले लेते हैं, एक चम्मच, छोटा चम्मच है ये डाल देते हैं। अभी हमारी सब्जियां जो है इसको लेकर जीरा भुन गया है, उसमें प्याज डाल देंगे हम। प्याज को हल्का लाल करना है, जल्दी प्याज लाल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। प्याज लाल हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम ये कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सब्जी में स्वाद भी बढ़ जाता है। अब बीच में ऐसा हल्का सा करके ये तेल जो है इसी में हम डालेंगे अपने मसाले, इससे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। ये देखिए हल्दी, लाल मिर्च, घर का बना हुआ मसाला और एक चम्मच नमक। तो अच्छे से करके मिला देंगे हम लोग, और ये अपना जो कुंदरू हमने लिया था इसको इसी में डाल देंगे। मिलाएंगे, इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये खट्टे होते हैं और टमाटर से फिर और अधिक खट्टे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। सब्जी खोल के देख लेते हैं एक बार। ऑलमोस्ट बनी गई है ये, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर ढक देती हूँ मैं इसको 2 मिनट के लिए और हम सब्जी देख लेते हैं। बन चुकी है,
गैस बंद कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हरा धनिया, सब्जी बन रही थी तब तक मैंने पराठे भी बना लिए थे। ये देखिए आपको दिखा दो, ये सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी का ये या भुजिया भी कह सकते हैं, भुजिया टाइप से ही है ये, क्योंकि हमने सूखी बनाई है। ये मैंने निकाल लिया है और ये पराठे, और देखिए पराठों के साथ सब्जी। और ये खाने में सच में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।